सो गाइस यार, हम लोग आज प्रिज्मा 3DP पे आपको एक खतरनाक सा एक वीडियो लाया गया जिसमें आप लोगों के लिए टैक्सी वो लगाना होता है क्लॉक टावर पे, कैसे लगाने हैं। तो मेरे पास तीन जो है वो हैं गाइस, तीन सिटी डाउनलोड की। मैं पहले गाइस फैक्ट्री है, फैक्ट्री पर मैंने सही टैक्सी वो डाल लिया। अगर आप टैक्सी फैक्ट्री पर टैक्सी वो डालें उसके लिए कमेंट कर देना। यहाँ पर दो किस्म का क्लॉक टावर है, क्लॉक टावर मैंने फुल मुकम्मल टैक्सी चूर किया हुआ है, और जो सेकंड वाला वो जो थर्ड वाला वो फुल क्लॉक टावर सिटी है गाइस, जिसको अभी तक हमने पूरा मुकम्मल नहीं किया। और मुझे इसके टेक्सचर की समझ नहीं आती कौन सा टेक्सचर कहाँ पे लगाया जाए। मैं आपको एक मिनट इसको ओपन करके दिखा देता हूँ, ये पूरा का पूरा मुझे तंग कर रहा है टेक्सचर। तो यहाँ पे थोड़ा लोड ही लेगा क्योंकि ये बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है गाइस, तो इस प्रोजेक्ट में इसको ड्रोने में थोड़ा टाइम लगेगा, तो आप लोग थोड़ा वेट कर देना गाइस। तब तक गाइस अब चैनल को सब्सक्राइब करो गाइस। यहाँ पर लोडिंग हो रहा है प्रोजेक्ट एलिमेंट्स, ठीक है, तो इसको एलिमेंट होगा गाइस, प्रोजेक्ट लोडिंग प्रोजेक्ट एलिमेंट, तो रीडिंग प्रोजेक्ट एलिमेंट। यहाँ पे अगर आपको ऑप्शन आता है तो इसके मतलब आपका ऑटो टेक्सचर सारे लगे हुए, लेकिन ऑटो टेक्सचर नहीं आ रहा तो यहाँ पर रीडिंग आपका नहीं आएगा। तो यहाँ पर मेरी बार रीडिंग आएगा जब आपका ऑटो जब हो जाएगा ना टेक्सचर, उसके बाद आपको यहाँ पर रीडिंग नज़र आएगा। बहुत ही यार थोड़ा सा काम है तो यार थोड़ा स्किप करता हूँ। तो अच्छा, तो गाइस अभी इंटर हो चुके हम लोग अपने क्लॉक टावर में, थोड़ा लैग हो रहा है लेकिन गाइस आप देखते हो पूरा सफ़ेद है गाइस। यहाँ पे कुछ भी आ रहा बता दो तो मैंने कुछ भी बता किसमें कलर नहीं आया। देखो वो कुछ समझ भी नहीं आ रहा उसमें कैसे टेक्सचर डालो, एक एक टेक्सचर इसमें डालना होता है। वैसे मैं आपको बता देता हूँ, जैसे कि इधर क्लॉक टावर का ये सिटी है, ये जगह है, मैं एक एक टेक्सचर लगाना आपको नहीं बताऊँगा गाइस, मैं एक साथ मुकम्मल सारा टेक्सचर लगाना बताऊँगा। मुझे यहाँ पे प्रॉब्लम होती है ना, घर को लगाना जाए कुछ अटैच करना बहुत ही मुश्किल होने लगा। गाइस जब मैं यहाँ पे आता हूँ, यहाँ पे बैक जाते हैं, बैक जाते हैं एक मिनट, सो बैक जाते हैं। यहाँ पे क्लॉक टावर आ रहा है फुल सिटी का क्लॉक टावर यहाँ पर फैस, ठीक है। ये गाइस क्लॉक टावर का पूरा मुकम्मल टेक्सचर है गाइस, जो लगाने के लिए हमें बहुत मुश्किल हो। यहाँ पे इसको हम अगर अटैच करें, अरे गाइस थोड़ा लैग हो रहा है, तो मैं आपको बता रहा हूँ इससे आप लोग कैसे छुटकारा पाओ। तो फिर से हम अपना प्रिज्मा 3DP ऑन करेंगे गाइस, ठीक है। अब मैं आपको बहुत ही आसान तरीका बताने वाला जिससे आप लोग अपना क्लॉक टावर फुल मुकम्मल कर सकते हो। वैसे आपका लैग भी हो जाता है कंप्यूटर, जैसे क्रैश हो जाता है गेम, आप अटैच करते हो लेकिन क्रैश हो जाता है। ये क्लॉक टावर है गाइस, इस पर आप क्लिक नहीं करना, सॉरी आप अभी गाइस रीडिंग आ रहा है गाइस, हाँ नहीं। तो गाइस अब ये आपको प्रॉब्लम कर ही रहा था कि यहाँ पे आपको 3 डॉट्स नज़र आ रहे हैं क्लॉक टावर में गाइस, इस 3 डॉट्स पे जाने के बाद डिलीट कर देना गाइस, ठीक है। वैसे भी आपके पास क्लॉक टावर की फाइल पड़ी है, डिलीट मत कर देना, ठीक है, एक्सट्रैक्ट करके। यहाँ पे मैंने अपना एक पुराना सा क्लॉक टावर ऑन कर लिया गाइस, यहाँ पे ये देख सकते हो ये क्लॉक टावर है यार। अच्छा अच्छा गाइस ऊपर जाना पड़ेगा, तो गाइस यहाँ पर आप देख सकते हो, तो यहाँ पर देखो ये मैंने दुनिया बनाई, यहाँ पे क्लॉक टावर गाइस यहाँ पर आप देख सकते हो, मैंने यहाँ पे सेट किया हुआ है पूरा, मैंने सेट किया हुआ है, देखो 57 सेकंड में है सब कर, देखो यहाँ मैंने पूरा सेट किया है क्लॉक टावर को, इधर कोई भी प्रॉब्लम नहीं आ रहा है। ये तो मैंने अपने टेक्सचर डाले ना गाइस, लेकिन टेक्सचर विदाउट टेक्सचर अटैच किया आप लोग इस कैसे आउट टेक्सचर लगाएंगे उस बड़ी सिटी में गाइस, तो वही तो गाइस मुश्किल है ना। चलो उसको सॉल्व करने के लिए आपको बताते हैं आपको करना क्या गाइस, ठीक है। बैक आ जाओ गाइस यहाँ से, डोंट सेव या सेव कर लो, मैं तो सेव कर लूँगा गाइस क्योंकि मुझे फिर बाद में प्रॉब्लम्स का खतरा है। एंड गाइस यहाँ पे फिर आपको जाना गाइस, ट्रेनिंग तो आप कर लेना गाइस, ठीक। यहाँ पे आप लोग फिर प्लस के आइकन पर क्लिक कर लो, प्लस के आइकन पर क्लिक करने के बाद आप लोगों को मैं बहुत ही आसान तरीके बताने वाला हूँ गाइस। अब 3 सेकंड के अंदर अंदर उसको सॉल्व ना करो तो मुझे, आप लोग यहाँ पे 3 डॉट्स पे आपको ऊपर गाइस, ठीक है, यहाँ पे 3 एक्सपोर्ट पे आना गाइस, ठीक है। अभी पूरा आपको इस तरह सीरियल चीज बताएगा जो किसी को नहीं पता, जहाँ पे आप लोग बैक हो गए। एंड यहाँ पे जो फाइल आपने 38 MB की एक्सट्रैक्ट करी थी, अब आपको बताना है पड़ेगा पूरा गौर से गाइस, जैसे यहाँ पे गाइस मैं आपको पूरा भी समझाऊंगा, आप लोग बच जाना मत, ठीक है। ये अगर एक एक फाइल गाइस जिसको आप एक्सट्रैक्ट करके उसका पूरा टेक्सचर कर देते हो, अगर आप इस पर क्लिक कर लेते हो तो आपको पूरा समझ आ जाएगा गाइस, ठीक है। एक मिनट, अगर आपको फर्स्ट समझ नहीं आ रही तो मैं आपको ज़रा रिसीवर में जाकर पूरा एक एक चीज़ समझा देता हूँ। अच्छा आपको समझ आ रही है, मैं आप ज़रा रिसीवर ले लूँगा, रिसीवर आ गया, इसको ओपन करते हैं, ठीक है। यहाँ पर डाउनलोड में जाना, डॉक्यूमेंट्स में जाना, यहाँ पर डाउनलोड पर जाता हूँ, 2 सेकंड गाइस, डाउनलोड किधर गई है, सही डाउनलोड है, ठीक है यार, सेकंड
की तरह गई डाउनलोड में, ये डाउनलोड है। उसके बाद मैंने फिर न्यू फोल्डर में जाना है, यहाँ पे मैंने यहाँ पे क्लोक, ये आप ये डाउनलोड करना फाइल फुल क्लोक टावर प्रिज्मा 3D मॉडल फुल क्लोक टावर डाउनलोड, फुल क्लोक टावर की मैंने फाइल एक्सट्रैक्ट करके रखी है। ये गाइस मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ, ये गाइस फुल क्लोक टावर की फाइल एक्सट्रैक्ट करके रखी हुई है। तो नो इस पे आपको क्लिक कर लेना, ठीक है। उसके बाद आप लोग ये वाली फाइल एक्सट्रैक्ट कर देते हो, ठीक है। इसको एक्सट्रैक्ट कर लेने के बाद आपको गाइस ये वाली फाइल मिलती है। तो आप लोग ये वाली फाइल आप मत एक्सट्रैक्ट करो, ठीक है। इसमें आप लोग ये फिर सारी फोटोज लगाते हो, ये क्लोक टावर की फाइल आप सेट करते हो, ये आपको खाली सफ़ेद सफ़ेद मिलता है विदाउट टेक्सचर। तो अब ऑटो टेक्सचर करने के लिए इस फाइल को आपको गाइस सीधा सीधा उस प्रिज्मा 3D में इसको क्लिक करना गाइस, फिर देखना जादू गाइस आप लोग। तो हम लोग वापस क्लोक टावर में जाते हैं, ठीक है गाइस। तो अब यही वही फाइल है गाइस, ठीक है, देख सकते हो ये वही फाइल है गाइस 30 MB की। तो इस पर हम क्लिक करेंगे गाइस, और गाइस अनपैकिंग जिप फाइल आ रहा है, ठीक है। अब अनपैकिंग फाइल जिप फाइल के बाद आप फर्स्ट पे फुल क्लोक टावर 3D मॉडल वाली प्रोजेक्ट वाली ऑप्शन नज़र आ रही होगी, ठीक है। इस ऑप्शन पर आप क्लिक कर लेना, ठीक है। अब मैंने इस ऑप्शन पर क्लिक किया गाइस, अब यहाँ पर थोड़ा सा लोडिंग होगा। ये देखो यहाँ पर रीडिंग प्रोजेक्ट फाइल है, पहले मैंने कहा था ना आपको, तो इस तरह कुछ रीडिंग आया गाइस, उसके बाद लोडिंग प्रोजेक्ट आया। तो इसी तरह गाइस आपको भी आपको समझा दिया गाइस। तो आप लोग गाइस मेरा वॉच टाइम नहीं आ रहा गाइस, प्लीज़ मेरे बड़ा को वॉच करो, प्लीज़ यार मुझे सपोर्ट कर दो प्लीज़, मेरा वॉच टाइम यार मेरे को नहीं मिल रहा। अच्छा तो गाइस ठीक है, अब मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दिया है, और यहाँ पे अब बम फटने वाला गाइस। मैंने कोई मेरे बूस्ट कुछ बीट लगा, मैंने ऑलरेडी से कुछ भी इस पटाख स्टूडियो डाले, ये फाइल डाउनलोड हुई होती है। इसमें आपको बस इसको सेलेक्ट करना होता है, सिलेक्शन करना होता है। अगर आपको स्क्रीन रिकॉर्डिंग की वीडियो चाहिए तो चलो उस पर वीडियो ले आएंगे। तो अच्छा अच्छा होगी आज के लिए गाइस, नेक्स्ट वीडियो हम आते हैं स्क्रीन रिकॉर्डिंग वीडियो पर। कोई इसमें हैक शैक नहीं है, देख लो पूरा क्लॉक टावर यहाँ पे आपके सामने आया हुआ है, और बिल्कुल टेक्सचर मैंने नहीं डाले इसमें। ये बिल्कुल उसी फाइल को सेलेक्ट करने के बाद पूरा क्लॉक टावर विद टेक्सचर आ रहा है गाइस। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है गाइस, वीडियो को प्लीज़ लाइक कर देना, लाइक गाइस सिर्फ मैं टारगेट देता हूँ 50 लाइक ही करो गाइस। अच्छा गाइस, तो अभी यहाँ पे आप टेक्सचर नहीं डाल सकते, पूरा क्लॉक टावर एक कमरा गाइस, यहाँ पर आप लोग को टेक्सचर भी मिलेगा, सूट वगैरह जो भी हो जाएगा, ठीक है। अब अगर जब अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर पाएगा तो प्लीज़ सब्सक्राइब करो गाइस, ऐसी वीडियोज़ के लिए गाइस मिलेंगे आप लोगों को। तो तब तक के लिए बाय, और अगर आपको कौन सा प्रिज्मा 3D का प्रॉब्लम आता है तो सेमी आई सॉल्व दिस प्रॉब्लम। अगर देखो सारा कुछ आपको यहाँ पर मिल चुका है, तो किसी चीज़ की प्रॉब्लम भी नहीं होगी मुझे उम्मीद है। तो ठीक है गाइस, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए बाय।